क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत? आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपका जो गलत चिंतन है, वो गलत चिंतन को हम सही चिंतन के अंदर बदलना चाहते हैं ताकि आप अच्छे इंसान बनो। हमारा गलत चिंतन है वो हमको दुर्जन बनाता है और हमारा सही चिंतन हमें सज्जन बनाता है। इसीलिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, क्योंकि इसके केंद्र में आत्मा है। जब केंद्र में आत्मा होती है तो सब काम सही सही होता है, क्योंकि हमारे भीतर आत्मा का वास है तो हम जिंदे हैं, वरना हम मृतवत हैं, हमको जला दिया जाता है। और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हम बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने आए हैं, वो हमारा एपिसोड अहंकार और ममकार। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर एपिसोड है। इस दुनिया के अंदर दो ही बुराई है, अहंकार और ममकार। जब अंत समय के अंदर रावण के पास में भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को भेजा कि ये अंत समय इसका आ गया है और ये बाणों की सैया पर सो रहा है और ये वेदों का मर्मज्ञ है, शिव जी का भक्त है, शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त है, इसके पास में बहुत ज्ञान है, हे लक्ष्मण तुम जाओ और रावण के अंत समय में ज्ञान लेकर के आओ। तो एक बार तो लक्ष्मण जी सख पकाए कि भैया क्या कह रहे हैं, शत्रु के पास भेज रहे हैं। भाई का आदेश था, गए और उसकी सिर की तरफ खड़े होकर के, और उन्होंने जैसा बताया था ज्ञान देने का वो बोले, तो जो लक्ष्मण, जो रावण ने उसकी तरफ जो है आंख उठाकर भी नहीं देखा, और काफी देर खड़े होने के बाद मैंने लौट के आए कि भैया उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। तो भगवान राम ने कहा, तुम किधर खड़े थे कि मैं रावण के सिर की तरफ खड़ा हूं? नहीं, ज्ञान लेने के लिए पैर की तरफ खड़ा होना चाहिए, लघु बनना चाहिए। जो है आप जो है वो प्रभु बन के जाओगे, आप में लघुता का प्रभुता का भाव आएगा, ज्ञान नहीं मिलेगा। तुम लघु बन के जाओ, उसके पैरों की तरफ खड़े रहो। तो पैरों की तरफ दूसरी बार गए लक्ष्मण जी, खड़े हुए तो लक्ष्मण ने उनकी तरफ देखा, जो रावण ने उनकी तरफ देखा और कहा कि भैया आज जो कुछ ये मेरी स्थिति बनी है ये सब अहंकार की वजह से बनी है। मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान समझता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो पुण्यवान व्यक्ति समझता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा ऐश्वर्य वाला व्यक्ति समझता हूँ, तो इस अहंकार की वजह से मेरी ये दुर्गति हुई। तो मैं आपको निष्कर्ष में संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में कभी भी अहंकार को स्थान न दें। ये सब दुखों की खान है, ये व्यक्ति को गिराने वाला है, ये व्यक्ति को नारकी में भेजने वाला है, ये हमारी अवनति करने वाला है, इसको कभी भी स्थान न दो। देखिए अहंकार क्या होता है? अहंकार का अर्थ होता है कि क्रोध और मान, क्रोध और मान मिलकर के अहंकार बनता है। अहंकार का मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं बड़ा हूं, मैं राजा हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं धन दौलत वाला हूं, और मैं इतनी संपत्ति का मालिक हूं, मेरे इतने बंगले, इतनी गाड़ियां, इतने नौकर है, इतने चाकर है, इन सब का घमंड करने वाला अहंकारी कहलाता है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दूसरे को छोटा समझना, ये अहंकार कहलाता है। और दूसरा ममकार, ममकार का अर्थ क्या हो गया? ममकार को दो कहते हैं, ये होता है हमारा माया और लोभ। माया एक मीठी छुरी है,
माया एक धोखा है जो भीतरी भीपरी आस्तीन का सांप है, भीतरी भीतरी व्यक्ति आपको काटता जाता है, लेकिन आपके सामने मीठी छुरी बनती है, छुरी होती है उसके ऊपर शहद लगी होती है। जब हम जीभ पर चलाते हैं तो मीठी मीठी लगती है, लेकिन थोड़ी भी अगर अव्यवस्थित से चली तो जीभ को काट सकती है। तो हमारा सामने मीठा बोलने वाला हमको धीरे 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 हमको जो है वो निंदित करता जाता है, समाज के अंदर हमारी निंदा बिखेरता जाता है, तो वह ऐसी माया है। और लोभ है तो लोभ के लिए कहा जाता है विषयी नर की लालसा और पाम रोग की काज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। लोभी के लिए कहा गया है कि जो विषयी व्यक्ति होता है उसका शरीर निर्बल हो जाता है, लेकिन फिर भी वह पंचेंद्रिय सुख को और विषयों को नहीं छोड़ता है, उसी में ही आनंदित रहता है। वह जो है वो कुत्ते की हड्डी की तरह होता है कि कुत्ता उस हड्डी को चूसता रहता है, जबकि उसके ऊपर कोई मांस वगैरह होता है सब हट जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर सुखी महसूस करता रहता है। तो हमारा जीवन भी जो है ऐसा, जब लोभ के अंदर चला जाता है व्यक्ति, उसका कोई एंड नहीं। विषय नर की लाश और पाम रोग की खाज, हमारे पाम रोग हो जाते हैं, उस जगह हम खुजलाते रहते हैं, उसमें खून निकल जाता है, खून की बूंदें गिरती रहती है, चमड़ी जो है हट जाती है, लेकिन फिर भी खुजलाते रहते हैं क्योंकि वह अति हो जाती है। और तीसरा विषय नर की लालसा पाम रोग की और लोभी की धन लालसा। लोभी चाहे जो है वह गिर भी सकता है, वह निंदित भी हो सकता है और बड़ी दुविधा में आ सकता है, फिर भी वो लोभ नहीं छोड़ता है। लोभ के लिए हमारे आगमों में उदाहरण आ रहा है कि एक व्यक्ति डाल पे दोनों हाथ डालों से जो है पकड़ा हुआ लटक रहा है, और उस डाल के ऊपर चूहा बैठा बैठा उस डाल को काट रहा है, और जो लटक रहा है कुएं के जो बीच के अंदर व्यक्ति लटक रहा है, तो लटक रहा तो नीचे बड़े बड़े सांप अजगर है, अगर व्यक्ति गिर जाए तो वह सांप अजगर उसको खाए, और उधर से जो काट रहा है, लेकिन वो लटक क्यों रहा है, वो इसीलिए लटक रहा है कि शहद की बूंद एक एक आकर के उसके ऊपर पड़ती रहती है, उसको बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है, मधुबिंदु बोलते हैं, वो गिरती है वो आनंद की अनुभूति होता है। उधर से चूहा काट दिया तो डाली कभी भी टूट सकती है, और डाली टूट गई तो अजगर नीचे बैठे हैं उसका स्वाहा कर देंगे। इतनी खतरे की घंटी के अंदर भी वह मधुबिंब का आनंद उठा रहा है। तो हमारा ये पूरा जीवन भी मधुबिंदु की तरह है कि हम जो है ये छोटे छोटे जो हमारे इंद्रियों के सुख है, कैसे इंद्रियों के सुख है, पांच तरह की इंद्रियां हैं, वो कौन कौन सी है कि हमारा स्पर्श रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणी। स्पर्श इंद्रियां कोमल कोमल स्पर्श का जो है विषयी लोग होते हैं जानते हैं, उस स्पर्श का आनंद लेते हैं, और रसन मतलब जीभ का, खाने का अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, भरते रहते हैं, ठूंसते रहते हैं, बीमार पड़ते रहते हैं और बहुत बड़ी जो है बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। स्पर्श घ्राण सुगंध दुर्गंध है, जो हम सुगंध के साथ हम राग करते हैं, दुर्गंध के साथ द्वेष करते हैं, ये राग द्वेष को पैजन करता है, और हर वक्त जो है हम राग की अवस्था में सुगंध में रहना पसंद करते हैं। इस स्पर्श रसन घ्राण चक्षु और आंखों के द्वारा बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों के, बड़ी बड़ी रूपवती जो स्त्रियों के हम सीन देखना चाहते हैं, ये दुरुपयोग है, ये हमारे जो रसन चक्षु इंद्रिय का दुरुपयोग है। और जो है उसके बाद श्रोत इंद्रिय आती है, श्रोत इंद्रियों से हम अच्छी अच्छी फिल्मी गाने, अच्छे अच्छे डांस जो कि हमें लुभाने वाले हैं, हमारे इंद्रियों को जगाने वाले हैं, हमारे में भावुकता पैदा करने वाले हैं, हमारे विषय पैदा करने वाले इसको विषयानंद कहते हैं, इसको मनोरंजन कहते हैं, मन का रंजन करने वाले में हम डूबे रहते हैं और जीवन भर डूबे रहते हैं। ये सब क्या, इसका लोभ का वर्ण है। तो भाई और बहनों, क्रोध मान माया लोभ ये अहंकार और ममकार है। ममकार का मतलब मैं और मेरा, और जो है वो ये राग कहलाता है, और अहंकार होता है वह क्रोध और माया, ये द्वेष है।
तो राग द्वेष को हम अहंकार ममकार कह सकते हैं, क्रोध मान माया लोभ कह सकते हैं, और अहंकार ममकार को एक शब्द में बात करें तो वह हमारा कषाय कहलाता है। कषाय का मतलब रंगा हुआ, जो जितने भी कपड़े होते हैं, जैसे कि गहरा जो लाल रंग का कसुमल कर का कपड़ा होता है, वह जो है वो कषायी कलर का होता है। और कषायी को हम दूसरी भाषा में बात करें, कषायी घृणित कार्य करता है, ये कषाय हमको डुबाने वाला है, ये कषाय हमको नीचे गिराने वाला होता है। तो ये सारा मोह का संसार है, हमारा अहंकार और ममकार है, ये जो है इसका बाप है वो मोह है, इसकी माँ है वो मोह है, और ये सब मोह का वटवृक्ष है। यानी हमारे जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं, 18 तरह के हमारे नकारात्मक भाव है, कौन कौन से, प्रणतिपाप, मर्षावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैसोन्य, पर परिवाद, रति अर्ति, माया मर्षा और मिथ्या दर्शन, शल्य पाप, 18 तरह के सारे पापों की जो जननी है वो अहंकार और ममकार है, डुबाने वाला है अहंकार और ममकार है, 84 लाख जीवा योनि में घुमाने वाला है ये अहंकार है और ममकार है। ये दुनिया अहंकार और ममकार से जुड़ी हुई है, ये दुनिया से अगर अहंकार ममकार चला जाए तो दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं रहती। इसीलिए दुनिया के लिए, संसार के लिए कहता है, जो संचरण करता है वो संसार है, हर क्षण हर वस्तु बदलती रहे वह संसार कहलाता है, परिवर्तनशील है संसार, ये बदलता रहता है, इसी का नाम संसार है, क्योंकि अहंकार ममता ममकार से जुड़ा हुआ है, ये उसकी उसकी जड़ों में एक अहंकार और ममकार जो संचित हो रहा है, जब ये जड़ें हमारी मजबूत होती है। लेकिन हमारे जीवन का अगर ध्येय तरने का हो, दो तरह के ध्येय होते हैं, एक तो तरने का और एक डूबने का। डूबने का अर्थ होता है 84 लाख जीवा योनि में जो भटकते रहो, फिर जो है नए नए राग द्वेष पैदा करके कॉजल बॉडी को बढ़ाते रहो, नई चार्जिंग करते रहो और फिर नया जन्म लेते रहो। तो ये स्वयं जन्म लेना है, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। एक बच्चा माँ के पेट में 9 महीने उल्टा लटकता है, खट्टी डकारे उसका खून और जो वो गर्मी उसकी बदबू को सहन करता है, तो वह भीतर, उसके ज्ञान तो है ही है, तो भीतर चिंतन करता है, प्रभु मुझे जल्दी से जल्दी इस जो है नारकी से निकालो और बाहर निकल करके, और मैं कभी भी आपको नहीं भूलूंगा, यानी आत्मचिंतन करूंगा। जब बाहर आता है तो बाहर जो संसार का जो नियम है, अहंकार और ममकार का जो नियम है, राग द्वेष का जो, जिससे संसार बना हुआ है, जिससे कुदरत जो बनी हुई है, कुदरत दो तरह की होती है, जो कुदरत हमें जैसे जैसे हमारा उपादान है भीतर का, उसके अनुरूप कुदरत की ड्यूटी है कि वैसे संजोग जुटाना। अगर हमारे भीतर उपादान अच्छा होता है, अच्छे संजोग जुटाती है, और भीतर हमारा उपादान है तो निमित्त है बुरे खड़े खड़ी करती है। ये डेबिट क्रेडिट कराने का, ये उस उन उनको उपादान को भुगताने का जो है, ये भुगतान के लिए मन वचन काय रूपी शरीर है, वो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। ये सारा काम कुदरत करता है और उसकी रचना और कुदरत के कानून के तहत करती है। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं, अहंकार और ममकार ये दुनिया का सबसे बड़ा रोग है, इस रोग को आप हटाइए और आप स्वस्थ होइए। स्वस्थ का अर्थ क्या होता है? स्व में अवस्थित होना। स्व का मतलब होता है अपनी आत्मा में अवस्थित होना, अपने स्वभाव में रमण करना। ये अहंकार में ममकार है, ये विभाव है। जो व्यक्ति स्वभाव में रहता है वह व्यक्ति सज्जन व्यक्ति रहता है, क्योंकि स्वभाव में रहने वाला सच्चिदानंद होता है। सत का मतलब होता है अविनाशी। ये हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो आत्मा है वह अविनाशी है। और चित्त का अर्थ हो गया, ये ज्ञान दर्शन वाला है, और आनंद इसका लक्षण है, ये सच्चिदानंद है। उस सच्चिदानंद की अनुभूति करना, उस स्वभाव में रमण करना है, वो हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और स्वभाव में रमण करने वाला वो अहंकार ममकार की प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वो कषाय की प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वह है हमारा समता भाव, हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव, हमारा जो है संवर की स्थिति, वो सारा जो है ये संभाव जो खड़ा करने वाला होता है, ये हमारा अहंकार ममकार का विपरीत है।
ये हमें थर्ड आई है, ये हमारा तीसरा नेत्र है, ये खुलना चाहिए। यानी हम स्वभाव में रमण करें तो अहंकार ममकार पास में नहीं आ सकते। अहंकार ममकार क्रोध मान माया लोभ ये चंडाल चौकड़ी है, इसके बीच में एग्रीमेंट है। चारों में से आपने किसी एक को न्योता दिया, आपने क्रोध किया तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। बैक डोर एंट्री से अदृश्य रूप से वो क्रोध के साथ में वो मान माया लोभ ऑटोमेटिकली भीतर आ जाएंगे। किसी एक को एंट्री करी तो इनका जन्मजात एग्रीमेंट है कि तुम आगे चलो, हम पीछे पीछे अदृश्य रूप में तुम्हारे, क्योंकि एक डोरे से बंधे हुए हैं ये चारों। कैसे, मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति क्रोध करता है तो क्रोध कब करता है, अहंकार की अवस्था में क्रोध करता है। और क्रोधी व्यक्ति होता है वो माया करने लग जाता है। क्रोध क्यों आता है, परिग्रह लोभ के कारण क्रोध आता है। किसी को भी देख लीजिए, माया है ये तीनों से जुड़ी हुई है, लोभ है बाकी के तीनों से जुड़ी हुई है, और अहंकार ये तीनों से जुड़ा हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं इस बीमारी को, इस रोग को जो है, इस रोग के कारण को अहंकार ममकार रूपी जो है हमारे भीतर जो है वो जो अशुद्ध भावना पड़ी है उसको हटाई दिए, उसको हटा दीजिए। और उसको हटाएंगे उसका जो आप शल्य चिकित्सा कीजिए कि क्रोध मान माया, आप अनुप्रेक्षा कीजिए। अनुप्रेक्षा एक शल्य चिकित्सा की अवस्था है। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम केवल सिद्धांत ही नहीं देता, उसके साथ साथ में वो मैथोडोलॉजी बताता है, जो प्रैक्टिकल अप्रोच देता है उसको अप्लाइड बनाता है कि हम किस तरीके से अहंकार ममकार को जीत सकते हैं। तो हम, मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहता हूं। देखिए, ये अहंकार ममकार कब आता है, ये अहंकार ममकार का हमारी श्वास के साथ में गहरा संबंध है, क्योंकि जब तक सांसा तब तक आशा। श्वास रहती है तो सबको आशा रहती है कि ये जिंदा है और ये हमारे परिवार के साथ। अगर कोमा में भी व्यक्ति चला गया, उसकी सांस चलती है तब तक हम उसको डेड बॉडी नहीं मानते। लोग 8-10 साल तक कोमा में रहते हैं, फिर ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि ये उनका जो है ये सारा कर्मों का योग होता है। तो हम श्वास को अगर जो केंद्र बनावें, तो जो छोटी सांस लेता है, छोटी सांस लेने के कारण जो है उसको क्रोध अहंकार माया लोभ आता है। मान लीजिए एक व्यक्ति जो है नॉर्मल आराम से अपनी मस्ती में बैठा है, तो हमारी मेडिकल साइंस वाले लोग कहते हैं कि नॉर्मल व्यक्ति जो है वह 1 मिनट के अंदर 16 सांस लेता है और वो मध्यस्थ अवस्था के अंदर रहता है। और जब उसके बाद में ये सांस बढ़ती है तो व्यक्ति को क्रोध अहंकार माया लोभ है, ये दूषित भावनाएं तब जुड़ती है। और उसको अगर सांस की संख्या को घटाता है, सांस का अर्थ होता है एक्सहेल और इनहेल दोनों को मिला करके एक सांस हुआ, जब ये लिया जाता है और छोड़ा जाता है, इसको अभ्यास के द्वारा रोज थोड़ा थोड़ा 5-5% इसको बड़ा किया जाता है, तो ये जब 10% 20% श्वास बड़ा हो जाता है, लेना और छोड़ने का बड़ा होने पर ये संख्या जो है हमारी 16 से घट करके 14-12-10 तक आ जाती है, तो व्यक्ति साधक बन जाता है। वह व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को कभी भी क्रोध मान माया लोभ नहीं आएगा और राग द्वेष नहीं आएगा। ऐसी बहुत सी रिसर्च हो गई है और मेडिकल साइंस वाले कहते हैं श्वास की संख्या ज्यों ज्यों घटती है और 16 से 12, 10 और 8 होती जाती है, त्यों त्यों आदमी जो है वह साधक बन जाता है, वह संत बन जाता है। संत के लिए कहा जाता है कि संत वह होता है जो शांत होता है, सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के, यानी वह संभाव में रहने वाले को संत कहते हैं। संत व्यक्ति होता है, उसका चिंतन अच्छा होता है, उसकी सोच सकारात्मक होती है, वो आत्मज्ञानी होता है, वो मुक्ति की ओर जाने वाला होता है, वो अहंकार ममकार को छोड़ना उसका उद्देश्य बन जाता है, उस छोड़ने की साधना के अंदर वो लग जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं श्वास के साथ में इसका गहरा संबंध है। आप श्वास की संख्या को घटाइए, आपका राग द्वेष कम होगा। अच्छा, दूसरा राग द्वेष का हम आपको कैसे घटाया जा सकता है, इस जीव और जगत की जो है हमें समझना चाहिए कि जीव के जो है वो किस तरीके से इस शरीर के अंदर आता है, मैं कौन हूँ
इसकी पहचान करो। जब मुझे हमारे पहचान हो जाती है, भेद विज्ञान कीजिए। राग द्वेष को मिटाने का सबसे बड़ा अच्छा फॉर्मूला होता है भेद विज्ञान, कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मैं चेतन हूँ, शरीर जड़ है। ये शरीर जो है जड़ अवस्था के वर्ण गंध रस वाला है, और ये गलन मिलन धर्मा है, ये कभी जन्म लेता है कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन मेरा जो चेतन तत्व है वो चेतनामय है, असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतना कहते हैं। आनंद वाला है ये, अनंत ज्ञान वाला है ये, अनंत दर्शन वाला है ये, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम मेरा मूल स्वरूप है। उस मूल स्वरूप को याद करना, अपने स्वभाव में रमण करना है, ये आपके राग द्वेष को घटा देता है। और तीसरा, राग द्वेष को घटाने का, अहंकार ममकार को घटाने का जो है एक फॉर्मूला है, अकर्ता भाव। देखिए, हम जब जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, हम केवल निमित्त बन के रहते हैं। लेकिन हम जो है वो क्या करते हैं कि हम दुर्गुणों के कारण, हम जो है अहंकार ममकार के कारण जो है अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। ये कुदरत कहती है कि मैंने किसी को कर्ता बनने की न तो पावर दी है, न पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। वो तो कर्ता तो मैं स्वयं हूँ, वह व्यवस्थित शक्ति है, वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वही करता है और वही जो है संजोग जुटाती है, मनुष्य तो एक निमित्त है। लेकिन अज्ञान के वसीभूत होकर के, उस बिल्डिंग के वसीभूत होकर के वो अपने आप को कर्ता मान लेता है और अहंकार ममकार खड़ा कर देता है। अकर्ता भावना रखिए। और चौथा जो है, मालिकीनी हक। ये शरीर मेरा है, मैं किसी का पिता कि मैं किसी का पुत्र, मेरे इतने बंगले, मेरे इतने इतनी फैक्ट्रियाँ, मेरे इतनी धन, इतनी दौलत, इतनी पद, इतनी प्रतिष्ठा, ये सब हम जो करते हैं अहंकार ममकार की भावना मालिकाना हक से होता है। तो आप तो ये चिंतन करिए कि शरीर का भी मैं मालिक नहीं हूँ, ये शरीर भी नाशदान है, ये एक संजोग है, ये कर्मों के भुगतान जो ही पूरा हुआ इस जन्म का, इस शरीर को जला दिया जाएगा। जब शरीर अस्थाई है, टेम्परेरी है, क्षण भंगुर है, नाशवान है, तो मैं इसको मालिक कैसे मानूं? मालिकिना हक को छोड़िए तो आप ऑटोमेटिकली अकर्ता हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप संभाव में आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली जो है वो आप जो है वह अपने अच्छे चिंतन में, पॉजिटिव थॉट में आ जाएंगे, और इसको राग द्वेष का जो चिंतन है वो धीरे धीरे धुलता जाएगा। तो भाई और बहनों, हम आपको निष्कर्ष के तौर पर ये बताना चाहते हैं कि दुनिया के दुखों की जड़ है अहंकार ममकार। ये अहंकार ममकार अज्ञान है, ये वेल्डिंग है शरीर और आत्मा के बीच में। दोनों को मुक्त करना चाहते हो आप, सिद्ध बुद्ध मुक्त होना चाहते हो। सिद्ध बुद्ध मुक्त क्यों होना चाहते हो? आपको अक्षय सुख चाहिए। अभी हमारे जीवन में क्या हो रहा है, कभी 1,00,000 रुपया मिल गया, हम फूल गए, और थोड़े समय के बाद 2,00,000 का घाटा हो गया, हम डिप्रेशन में चले गए, हम दुखी हो गए। तो ये सुख दुख का जो है तराजू है वो डोलता रहता है। तो हम इस सुख दुख के दोनों पलड़ों को जो है संतुलित कर दें, हमेशा जो है बैलेंस, जैसे कि दोनों कैसे रहता है उस बैलेंस में रहें, तो वो अक्षय सुख की अवस्था है, वो परमानेंट सुख है। उसको प्राप्त करने के लिए राग द्वेष को छोड़ना पड़ेगा। तो निष्कर्ष में मैं कहना चाहता हूँ, ये राग द्वेष क्या है? ये कॉजल बॉडी है, ये राग द्वेष है। कॉजल बॉडी है अहंकार ममकार है, सब दुखों की जननी है अहंकार ममकार है, सबसे बड़ी जीवन में अशुद्धि है अहंकार ममकार है। अहंकार ममकार हमारे 8 तरह के द्रव्य कर्म हैं, 148 तरह की प्रकृतियां हैं, ये हमारी नकारात्मक सोच है। इसको हमें समाप्त करना, इसको धोना है। क्या होता है कि जब कभी भी हमारे सफ़ेद रंग की चादर होती है और उसके ऊपर किसी तरह का कलर का जो दाग धुलने वाला होता है लग जाता है, तो हम डिटर्जेंट पाउडर लगाते हैं, तो डिटर्जेंट पाउडर लगा से एकदम क्लियर कट वाइट हो जाता है। तो उसी तरीके से हमारी आत्मा मैली हो चुकी है, हमारे आत्मा के ऊपर अहंकार ममकार का जो है आवरण आया हुआ है। अहंकार ममकार का आवरण कैसे है
कि हमारी आत्मा असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। एक एक आत्मा के चेतनामय परमाणुओं पर असंख्य असंख्य जो है कार्मण शरीर के परमाणु पौद्गलिक परमाणु लगे हुए हैं। वो सारा कॉजल बॉडी है, उसको वो सारा अहंकार ममकार है, वो सारा राग द्वेष है, वो सारा कषाय है, उसको धोना है। उसको धोने के लिए समता का भाव रखना है, अपने आप को न्यूट्रल रहना है, मध्यस्थता रखनी है, और दूसरा क्या है, आत्मतुलावत रहना है कि सर्वभूतेषु संयम अहिंसा अहिंसा, सब भूतों के प्रति जो है संयम करना अहिंसा है। वो आत्मतुलावत हमको रहना है, सबकी आत्मा को अपनी आत्मा समझती रहनी, किसी के साथ भेद विवाद नहीं करना है, और दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना है। जब हम किसी प्राणी के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं तब हम अन्याय करने लग जाते हैं, तब हम सारी बुराइयों की जड़ में गिरफ्त हो जाते हैं। तो हम दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करें। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम चर्चित है, लोग इसको देखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे सूत्र दिए जाते हैं जो जीवन का निर्माण करते हैं, जीवन की दिशा को बदलते हैं। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान है, ये ऐसा विज्ञान है जो मात्र दृष्टि को बदलता है, आपकी जो है वो कुदृष्टि को सुदृष्टि में बदलता है, आपकी रॉन्ग विचारधारा को राइट बिलीफ में बदलता है, आपको मिथ्या दर्शन की जगह सम्यक दर्शन देता है। इसीलिए इसका मुख्य उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामना। आत्मविज्ञान में, आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि सही सोच,